केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। ठीक है ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3। ठीक, इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं सर ऑक्सीडेशन, क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है ये। कैसे होता है सर ये देखो आप जरा। बेसिकली होता क्या है ना, जो अपना क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है ना, ये O2 के साथ रिएक्शन करके, अब मेरे पास इस पे अगर सनलाइट पड़ रही हो या फिर ये एयर की प्रेजेंस में हो, तो O2 के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही खतरनाक गैस बनाता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसी का कॉमन नेम है, मतलब कि नेम के तौर पे बोलते हैं जो जनरल यूज़ होता है, फॉस्जीन गैस। बेसिकली ये पॉइजनस इन नेचर है, पॉइजनस इन नेचर। ठीक है ना, तो इस वजह से ही ना क्लोरोफॉर्म का यूज़ अपन लोग एनास्थेटिक के तौर पे नहीं करते हैं, है ना। बेसिकली क्या हुआ ना, एयर तो हर जगह है, जैसे ही ओपन एटमोसफेयर में क्लोरोफॉर्म आया, वो तुरंत O2 के साथ रिएक्शन करके ओपन एटमोसफेयर में, तो उस पर सनलाइट पड़ेगी है ना, तो हम बोलते हैं सर सनलाइट हो या फिर एयर हो, तो तुरंत वहाँ पर रिएक्शन करके एक खतरनाक पॉइजनस गैस बनाएगा जिसे मैं बोलता हूँ फॉस्जीन गैस। ठीक है, ये अपना माइक काफ़ी प्रॉब्लम करता है, क्या करूँ। ठीक है, तो अपना क्या बनाता है सर, फॉस्जीन गैस, अच्छा, या फिर इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड गैस। देखो आप COCl2 है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, COCl2 क्या बना सर, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस फॉस्जीन गैस बनने की वजह से ही ना क्लोरोफॉर्म का यूज़ आजकल नहीं होता है, ठीक है, बेहोश करने के लिए। तो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अपन लोग स्टोरेज कैसे करें। क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम बात की थी यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आज आ भी चुका है कि क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज है ना कैसे किया जाए। तो यहाँ से हम बात करते हैं स्टोरेज की, जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। तो स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो, हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म ऐसे ओपन एटमोसफेयर में ना रहे, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं ना कि उसे डार्क कलर की बोटल्स में रखें। जैसे कि मेरे पास बोटल्स आती हैं, अगर डार्क कलर की बोटल होगी ना, तो उसके अंदर एयर नहीं जा, मैं एयर बोल रहा हूँ, सनलाइट अंदर तक नहीं जाएगी। अगर हल्के कलर की बोतल है तो सनलाइट पहुँच जाएगी अंदर तक, हम चाहते हैं कि भाई साहब सनलाइट अंदर पहुँचे ही नहीं। तो पहला मेथड, अपन लोग डार्क कलर की बोटल्स में क्लोरोफॉर्म को फिल करके रखें, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में होता है ना। दूसरा मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो चौक गिरती है ना, दूसरा मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं कि बोतल को ना क्लोरोफॉर्म अगर हम फिल कर रहे हैं, तो उसके माउथ तक पूरा भरें, जिससे कि बोतल में जो एयर है वो निकल जाए। ठीक है ना, ये दूसरा मेथड, यही आपको लिखना है। पहला मेथड क्या, डार्क कलर की बोतल से मुझे स्टोर करके रखना है। दूसरा मेथड क्या, बोतल के माउथ पूरा ऊपर जो टॉप का लेवल होता है, माउथ तक अपन लोग क्लोरोफॉर्म फिल करके रखेंगे, जिससे कि अंदर के उसमें एयर हो तो वो निकल जाए। ठीक है, थर्ड अपन लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने से पहले ना, उसमें अपन लोग इथेनॉल मिक्स करते हैं। बेसिकली 0.6 से 1% इथेनॉल यूज़ करते हैं। इथेनॉल क्या करता है ना, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में पहले से फॉस्जीन गैस बनी रही हो, तो इथेनॉल फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्शन करके एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग क्लोरोफॉर्म को स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात कर लें इसमें स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, सबसे पहली बात अपन लोग को डार्क कलर की बोटल्स यूज़ करनी है, डार्क कलर बोटल, मैं ऐसे लिख देता हूँ आप लोग समझ जा रहे हो। ठीक है, एंड मुझे बोटल के माउथ तक फिल करके रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अपन लोग को एथिल अल्कोहल यूज़ करना है, स्टोर करने से पहले उसमें मिक्स करना है। बेसिकली अपन लोग जनरली 0.6 से 1% एथिल अल्कोहल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने से पहले उसमें एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग देख लो, बेसिकली होता क्या है ना कि जो ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है ना, ये मेरे पास
CO Cl2 इस कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, जिसे हम फॉस्जीन गैस बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास फॉस्जीन गैस है, इससे मिलता जुलता एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फीन गैस, वो है PH3। PH3 इज फॉस्फीन एंड CoCl2 इज फॉस्जीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, जो इथेनॉल था अपना, इथेनॉल ये CoCl2 कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करके ये पॉइजनस है ना, करके एक मेरे पास नॉन पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। एंड यहाँ से HCl निकल गया, और ये अवर डाई एथिल कार्बोनेट, ये मेरे पास नॉन पॉइजनस है। ये कैसा है, नॉन पॉइजनस है। तो ये मेरे पास तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टोरेज कैसे करें, डार्क कलर की बोटल्स रखते हैं जिससे ऑक्सीडेशन ना हो, एंड बोटल्स के माउथ तक मुझे पूरा फिल करना है। तीसरी बात, स्टोर करने से पहले उसमें इथेनॉल मिक्स करना है, जिससे कि अगर क्लोरोफॉर्म में पहले से फॉस्जीन गैस बनी रही हो तो वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके ये नॉन पॉइजनस डाई एथिल कार्बोनेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा काम किसके तौर पे, ऑक्सीडेशन के नाम पे इतनी बातें करनी होती है। एंड ये भी हम लोग कर सकते हैं, या भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉस्जीन गैस का प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो आप क्लोरोफॉर्म से कर लो, या फिर क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी बता दो आप। ठीक है, तो ये कांड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की हम अगर बात करें तो हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन इसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपना क्लोरोफॉर्म है ना, CsCl3, बेसिकली क्लोरोफॉर्म ना रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl रिड्यूस होकर बनाता है CH2Cl2, एंड ऐसे HCl निकल जाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, CH2Cl2 एंड ऐसे HCl निकल गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग वाला फंडा आप देख लीजिएगा। ये बन गया मेरे पास, इसको हम पढ़े थे ना मेथिलीन क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड, जो कि एक अपना पॉली हेलोजन कंपाउंड है। तो ये हो गया। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मेथिलीन क्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो आप क्लोरोफॉर्म से करोगे, रिड्यूस कराओ, क्या बन गया, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं, अगर इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो आप लोग 2 कर लो। ठीक है, एंड ठीक है ना, तो बैलेंसिंग वाला मामला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ना अगर इस तरीके से यूज कर लिया जाए, यहाँ पे जिंक प्लस वाटर। ठीक है, तो एक भयानक कांड होगा, बन जाता है CH4 एंड यहाँ से 3HCl, क्या बन जाता है, CH4 एंड ऐसे HCl। ठीक है, ये चीज, तो ये इसकी क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन की। भाई सब क्लोरोफॉर्म रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, है ना, आपको ध्यान में रख रहा है, बनता है मेथिलीन क्लोराइड, एंड अगर जिंक वाटर यूज़ कर ले तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो आप देख रहे हो, क्लोरोफॉर्म से मैंने मीथेन बनाया, अब इससे पहले अपन लोग मीथेन से क्लोरोफॉर्म ही बनाए थे। तो पहले अब इतना करो कॉपी, फिर हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, पहले तो कॉपी करो। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई, सही है। तो इसमें से मेजर मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट था, क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज, ऑक्सीडेशन से बचाना इसको, एंड ये रिएक्शन डाई एथिल कार्बोनेट वाली। ठीक है, ये चीज़, एंड ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल क्लोराइड सॉरी, एंड फॉस्जीन गैस।